हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबोध कुमार अगेन एंड अगेन। सुबोध सर, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त एवं जबरदस्त होंगे। चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि कप के अपेक्षा प्लेटों में गर्म चाय अथवा दूध जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है, क्या कारण रहता है कि जल्दी ठंडी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। कप का क्षेत्रफल कम होने के कारण वाष्पीकरण की दर कम होती है, जिसके कारण कप में गर्म दूध अथवा चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों होती है, जैसे मान के चलिए कप है, तो कप का क्षेत्रफल क्या है, कम है कि नहीं, देखो तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। और वाष्पीकरण की दर कम होगी यानी कि जो भाप है वो धीरे धीरे निकलेगा, देर लगेगी। जबकि प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, जिसके कारण गर्म चाय अथवा दूध जल्दी ठंडी हो जाती है। जैसे मान के लिए प्लेट है, प्लेट का क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण क्या होगा, वाष्पीकरण की दर कम अधिक होगी। जब वाष्पीकरण की दर अधिक होगी यानी कि जो भाप इसमें क्या होगा, तुरंत निकलेगा, क्विक निकलेगा, और जल्दी निकलेगा तो क्या होगा, गर्म दूध अथवा चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। अतः चाय अथवा दूध जल्दी ठंडी हो जाती है, यही कारण।